दोस्तों ड्रामा सिरघाटा की आज लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक का बटन लास्ट में ठोक देना। आने वाले एक साथ में आप लोग देखेंगे कि जैसी जो सारी की सारी असलियत सना की खोल कर आती है हमसा के सामने, तो हमसा जो सना को तलाक देकर घर भेज देता है। सना चाहती है और जाकर रानी के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसकी वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये बातें जब सना पर रानियाँ सुनती है तो सना को इनकार कर देती है और कहती है कि तुमने कभी भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सना कहती है कि जी बोलो बताएं। तो रानियाँ कहती है कि इस वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुमने लोगों के घरों को बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी खुशियों को बर्बाद की। उस घर में गई हो तो उस घर में भी हर चीज़ को बर्बाद करना चाहती हो। हम सब के दिल में अपने माँ बाप के लिए नफरत डालने की कोशिश की तुमने और कामयाबी हो गई जिसकी सजा तुम्हें से मिली है। ये बातें जब सना सुनती है तो रानी को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर रानी कहती है मुझे पता था कि आप मेरी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ जो बात भी है। आपने घर पर बात की है, आप कभी भी तुम खुश नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हें से बताऊँ। सना से बातें सुनती इनकार कर देती है। अभी भी सना डटी हुई है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। बहुत ज़्यादा जो है वो दानिश अब दुखी होता है, हमसा के पास जाता है, हमसा चार होता है रास्ते में, दानिश उसे देखता है तो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो मेरी बात तो सुनो। हमसा इनकार कर देता है और कहते हैं कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया है क्या बात करने कुछ रह चुका है। तो दानिश कहता है कि इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात पर मैं पछता भी रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को भूल जाएं और हम वैसे के वैसे रहना शुरू कर देंगे। इनकार कर देते हैं। शाह पर हमसा से कहते हैं कि कैसे सब कुछ हो सकता है, इतना सब कुछ तुमने किया, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली, अगर तुम खुद मुझसे मांगते तो मैं आपको खुशी के साथ दे देता, मैं तुम्हें कभी भी इनकार ना करता, लेकिन तुमने ये सब कुछ किया है तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको मैं माफ़ कर दूँ? नहीं नहीं, मैं आपको कभी किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा कि जहाँ से चले जाओ और दोबारा जो मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना। लेकिन इनकार कर देते हैं। शाह पर फौरन दानिश से कहते हैं कि अगर मुझे आपने माफ़ ना किया तो मैं कभी भी आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके सामने कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो जहाँ पर हमसा कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूंगा तो क्या करोगे? दानिश कहता है कि बस जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हें वैसा का वैसा करके दूंगा। आपको जहाँ पर चाहिए थी रानिया तो मैं आपके लिए वो खुशी भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। तो इस मामले पर परेशान हो जाते हैं। हमसा से कहते हैं कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। रानिया के पास आती है हमसा की माँ, उसके सामने रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप इस बात को छोड़ दें और माफ़ कर दें मेरे बेटे को और मेरे बेटे के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो जहाँ पर रानी कहती है कि मैं कैसे सब कुछ कर सकती हूँ, अब इतनी देर हो चुकी है, जिस वक्त मैं तड़पती थी, मैं भड़कती थी, मैं त्रसती थी, उस वक्त आप लोगों ने मुझे अपनी खुशी नहीं दी और अब आप कहते हो कि ये सब कुछ हो जाएगा, अब कैसे हो सकता है मुझे बताओ। तो आगे से हमसा की माँ कहती है कि सब कुछ होगा, बस आपको हमसा के बारे में एक दफ़ा सोचना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं, हमसा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रानी इंतज़ार करते करते थक जाती है और मजबूर होकर हमसा की तरफ चली जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है, इनकी ज़िंदगी में बच्चा आ जाता है, सना को अपने की कट्टी की सजा मिल जाती है और दानिश को माफ़ कर दिया जाता है। सना की माँ को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है और मुकम्मल तौर पर मेंटली तौर पर वो पागल हो जाती है। इस ड्रामे का इस तरीके से जो अंजाम होता है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लाजमी दें और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।